बिग बॉलीवुड स्क्रीन। आज की कहानी है एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। ये कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस समय जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहाँ किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज किए रोशनी से बचता हुआ इधर से उधर छुपता रहा। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था जो वहां 10 साल की सजा काटने आया था। क्योंकि वो कभी कुछ बोलता नहीं था तो सबने मान लिया कि वो शायद गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फिजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहां सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानीमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से देखा सुजुकी तो पहले ही गायब हो चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए, लेकिन गार्ड्स ने तो उसे 20 ही मिनट में पकड़ लिया। पता नहीं क्यों पर सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा भागता जा रहा था। इसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी। जब एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी मुंह पर चादर ओढ़े सो रहा था। गुस्से में उसने सुजुकी को चादर हटाने को कहा क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, लेकिन जब बार बार कहने पर भी उसने चादर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो हर बार वो ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड्स के साथ चेकिंग पर निकला। वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गए क्योंकि उसने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड्स ने उसे मारते हुए पूछा, कैसे खोली हथकड़ियां? हां, कैसे खोली हथकड़ियां? लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था जिसे किसी तरह छुपा कर वो जेल के अंदर ले आया था। सवाल ये उठता है कि वो इस तार को अंदर लाया कैसे? मुंह में छुपा के? ना, गू में छुपा के। इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्द ही वहां एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने झांक कर देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन असलियत तो ये थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं, वो तो छिपकली बनकर छत से चिपका बैठा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके के इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया। उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहां से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला तो उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया। वार्डन को भी खबर पहुंचा दी गई और वो तुरंत जेल के लिए निकल गया। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, तभी वार्डन भी वहां पहुंच गया। उसने कहा कि सारे प्लान छोड़कर सिर्फ एक टीम पास की ट्रेन की पटरियों पर भेज दो। ऑफिसर्स को भी लगा, अरे बूढ़ा हो गया वार्डन, दिमाग सटिया गया इसका, अरे वो पागल थोड़ी है, हर बार सेम जगह जाएगा। लेकिन जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसे 100% भरोसा है कि सुजुकी वहीं मिलेगा, तो उन्होंने उसकी बात पर भरोसा करके टीम भेज दी और उसकी बात सच भी निकली। सुजुकी को एक बार फिर से ट्रेन की पटरियों पर पकड़ लिया गया। जेल से निकलने में तो ये चाचा चौधरी बन जाता है, कंप्यूटर से तेज दिमाग, बाद में क्या हो जाता है इसे। क्योंकि वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया तो उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था जो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से पटरियों पर पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता जिसमें और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसी वजह से मीडिया ने उसे स्टार भगौड़े का खिताब दिया और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसी पर निगरानी रखने के लिए खड़े थे। उसका कमरा भी पूरी तरह सीमेंट से बना था और दरवाजे पर कई ताले थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था।
गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। एक गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत सीटी बजा दी, जिससे कई और गार्ड्स वहां आ पहुंचे। उन्होंने मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी। होश आने पर सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड्स को जाते देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पर कुछ और पेंच कस दिए, ताकि इस बार वो उन्हें खोल ना पाए। जाने से पहले वो एक बार फिर से उसके शरीर की थोड़ी मेंटेनेंस करके गए। इसी तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड से पंगे लेता, वो उसे मारते और फिर वो अपना खून लोहे की सलाखों पर टपकाता। एक दिन गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूटकर गिर गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके प्लान का ही हिस्सा है। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। एक साल बीत गया और सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। शरीर सड़ने लगा था और उसके घावों पर कीड़े पड़ चुके थे। आखिरकार उस शाम गार्ड्स ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे एक साल बाद उसे चैन की सांस आई थी। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानेमुरा वहां की जांच करने पहुंचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चला गया। इसके बाद वही रात आई जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेंच खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बनाता नहीं था, बल्कि वो तो उसे घिस घिस कर तीखा कर रहा था, ताकि उसके इस्तेमाल से पेंच खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होकर उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग चुका था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गई और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर पला। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था, जब उसे दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। ये कोई और नहीं, उसका बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें की और तभी उसने अपने पिता की छाती पर माउंट फीजी का एक टैटू देखा। बदकिस्मती से जल्द ही वहां कुछ पुलिस वाले आ गए, जो सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वो उन्हें देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। इस दिन सुजुकी ने कसम खाई कि एक ना एक दिन अपने पिता से जरूर मिलेगा। वर्तमान समय में सुजुकी फरार होकर एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानेमुरा ने पीछे से उसे रुकने के लिए आवाज दी, और हैरानी की बात ये थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर में गार्ड्स की एक टीम आकर उसे पकड़कर ले गई। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी की जेल भी सुजुकी को नहीं रोक पाई, इसलिए मिस्टर कानेमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल में भेजने के ऑर्डर्स दे दिए। प्रिजन आइल किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी। वो समंदर के बीचों बीच बनी थी, जहां लगातार तेज बहाव रहता था, और सबसे जरूरी बात, वहां ट्रेन की पटरी तो बिल्कुल नहीं थी, और तो और समंदर शार्क से भरा हुआ था, इसलिए वहां से भागकर बच निकलना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने ही खतरनाक थे। पूरी जेल में चारों ओर हजारों गार्ड्स थे, और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स थे। जब सुजुकी वहां पहुंचा तो उसे तुरंत उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं, बल्कि कुछ रॉड्स थी, जिन्हें सुजुकी के शरीर के आसपास ऐसे जोड़ दिया गया था, जिससे भागना तो दूर, वो हिलडुल भी ना सके। उधर कानेमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली, जिन्हें वो पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहां से भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उस छोटी सी जगह से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते देख लिया, लेकिन वो इतना नशे में भंड था कि कुछ बोल नहीं पाया। उधर कानेमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने की बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। मिस्टर कानेमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह कई गार्ड्स को बंदूकें देकर पूरे आइलैंड में फैला दिया गया। वार्डन अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था कि वहां मिस्टर कानेमुरा आ गया। उसने वार्डन को बताया कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढने आया है, जो इसी आइलैंड पर कैद है।
ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए और तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो भी हुआ वो सब सुजुकी के प्लान का एक हिस्सा था। वो बार बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता था ताकि आखिरकार प्रिजन आइल तक पहुंच सके। उसका असली मकसद था अपने पिता को आजाद करवाना। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर कानीमुरा वार्डन और बाकी के गार्ड्स के साथ वहीं आ रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी उस बूढ़े आदमी के साथ गायब हो गया। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के छोर तक ले आया। उसने पहले से ही वहां एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी ओर मिस्टर कानीमुरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो सुजुकी के पिता के साथ ही कैद था। तभी उसने माउंट फिजी का एक टैटू उस आदमी की छाती पर देखा, जिसका सीधा मतलब ये था कि इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती।